आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्स का उच्चारण क्या होता है। एक्स का उच्चारण अनेक तरीके से होता है। शब्दों में जब एक्स लगे हुए रहते हैं तो शब्दों के किस भाग में एक्स लगे रहते हैं और उसका उच्चारण क्या होता है, हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए, पहला जो रूल है वो ये है, जब किसी वर्ड का शुरुआत एक्स से हो तो उस एक्स का उच्चारण ज होगा। ठीक है, किसी भी वर्ड का उच्चारण जो है, सॉरी, किसी भी वर्ड का शुरुआत जो है एक्स से होगा तो उसका उच्चारण जो है ज होगा, ज, है ना। फिर से दोहरा देता हूँ, किसी वर्ड का शुरुआत एक्स से हो तो उस एक्स का उच्चारण ज होगा, ज, है ना। जैसे जेनन, जैसे जेनियल, जैसे जेनिया, जैसे जेरिक। तो इन सब शब्दों का उच्चारण, इन सब शब्दों का शुरुआत जो है एक्स से हुआ है, इसका उच्चारण शुरू में एक्स का क्या हो रहा है, ज, है ना। कैसे, आप देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया, जेन, जेनन, जेनियल, जेनिया, जेरिक। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के अंत में एक्स हो तो उस एक्स का उच्चारण आधा क स होता है। आप इसको क्ष बोल सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं कैसे, फिर से समझ लें। किसी वर्ड का अंत में एक्स हो तो उस एक्स का उच्चारण आधा क और स होता है, क्ष, ऐसे। जैसे फॉक्स, देखो कैसे लिखता है, फॉक्स, ऐसे ऐसे आधा क और स आया, फॉक्स, है ना। फिर देखें, बॉक्स, आधा क स आ रहा, टैक्स, रिलैक्स, सिक्स, मिक्स। यानी लास्ट में जो है एक्स का उच्चारण क्या हो रहा है, आधा क और स। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इसे भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के बीच में एक्स आता है, अब देखो वर्ड के बीच में एक्स आता है और उसके तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसे उस एक्स का उच्चारण आधा क और स होगा। फिर से समझ लीजिए, कोई भी शब्द के बीच में यदि एक्स होता है और एक्स के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उस एक्स का उच्चारण आधा क स होगा, क्ष। जैसे एक्स्ट्रा, यहाँ पे देखें एक्स है, एक्स के बाद टी है, टी एक कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे उच्चारण हो रहा है एक्स्ट्रा, तो एक्स का उच्चारण हो रहा है क्ष, है ना। नेक्स्ट देखो, एक्स के बाद टी है, एक्स के बाद टी है जो एक कॉन्सोनेंट है टी, तो एक्स का उच्चारण आधा क स हो रहा है ना। फिर टेक्स्ट देखो, यहाँ भी वही, एक्स के बाद टी है, एक्सपेक्ट, यहाँ भी एक्स के बाद पी है ना, तो ये कॉन्सोनेंट है इसलिए इसका उच्चारण आधा क और श हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब किसी वर्ड के बीच में एक्स आता है और उसके तुरंत बाद कोई वोवेल आता है, कॉन्सोनेंट आपने समझ लिया, कॉन्सोनेंट जब रहता है तो आधा क स होता है और यदि वोवेल आए तो उसका उच्चारण आधा गौर ज होता है, गजा, इसको तो गजा बोल सकते हैं, आधा ग और ज, इसको पढ़ेंगे एक्स का उच्चारण, है ना। जैसे क्या बोलते हैं, एग्जाम नहीं बोलते, एग्जाम बोलते हैं आधा गौ ज, यहाँ भी देखो एग्जाम्पल बोलते हैं आधा गौ ज, यहाँ पे एग्जैक्ट बोलते हैं आधा ग और ज, एक्स का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पे एग्जिट बोलते हैं, यानी एक्स के तुरंत बाद एक वॉवेल आया है इसलिए इसका उच्चारण जो है आधा ग और ज हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब किसी शब्द में एक्स के बाद आई ओ एन, समझ लें, एक्स के बाद आई ओ एन रहे या आई ओ यू एस रहे तो उस एक्स का उच्चारण आधा क स होता, आधा क और स होता है ना। चलिए देखते हैं कैसे, देखो कनेक्शन, यहाँ पे देखो एक्स के बाद आई ओ एन आया है तो कसा आया, कनेक्शन, है ना। उसी तरह रिलैक्सन, यहाँ देखो आई ओ एन आया है तो रिलैक्सन। नॉक्सियस, यहाँ पे देखो आई ओ यू एस है इसलिए आधा क और श है ना। चलिए लास्ट है एबनॉक्सियस, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि आई ओ यू एस है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।